अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। सो वेलकम बैक टू अपना रिएक्ट टीवी। मैं हूं दानियाल अहमद और मैं हूं साजिद महमूद। आज हम आपके लिए जो वीडियो ले आए हैं उसका टाइटल है इंडियाज़ पॉपुलेशन हैज़ स्टार्टेड टू फॉल फॉर द फर्स्ट टाइम। और वीडियो स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 लेट्स बिगिन। नमस्कार एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली एक बहुत ही ज्यादा मैं कहूंगा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है। सर्वे जो है भारत सरकार का, उसने ये बताया है कि शायद भारत की पॉपुलेशन अब गिरने लगी है। ये ऑब्वियसली एक मैं कहूंगा काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है इंडिया के लिए, क्योंकि हम ऑलरेडी ओवर पॉपुलेशन से जूझ रहे हैं। तो इस बीच आप अगर देखें, बाय द वे यहाँ पे आप देख पाओगे ये है दुनिया की मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज। दुनिया की आबादी का 18.4% आपको मिलेगा चाइना में और 17.70% आपको मिलेगा इंडिया में। ये दोनों कंट्रीज दुनिया की आप कह लीजिए ऑलमोस्ट 1/3 आबादी अपने पास रखती है। और इंडिया की आबादी की बात की जा रही थी कि अभी तो 150 करोड़ तक जाएगी, 160 करोड़ की भी बात की जा रही थी कि इंडिया की पॉपुलेशन हो सकता है कि पीक करे 2050-2060 तक। मगर अब पॉसिबल ये है कि एक्चुअली पीक करने के बजाय इन द फ्यूचर पॉपुलेशन गिरना भी स्टार्ट कर दे। क्योंकि अब रिसेंटली क्या हुआ है कि सरकार ने एक सर्वे किया है ऑल ओवर इंडिया। उस सर्वे में ये पाया गया कि भारत का फर्टिलिटी रेट इतिहास में पहली बार, जब से हमको आज़ादी मिली है तब से लेकर अब तक आप अगर देखो इतिहास में पहली बार 2.1 का जो ये आंकड़ा है इससे कम हो चुका है। तो इसका मतलब ये है कि आप अगर प्योर स्टैटिस्टिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो पॉपुलेशन का जो डिक्रीज है स्टार्ट हो चुका है। हालांकि बहुत ही माइन्यूट तरीके से डिक्रीज होगी। ज़्यादातर एक्सपर्ट्स यहाँ पर यही कह रहे हैं कि पॉपुलेशन अब ज़रा स्टेबलाइज हो जाएगी, मतलब पॉसिबिलिटी ये है कि हम 150 करोड़ के आसपास ना पहुँचें। नाउ फर्टिलिटी रेट क्या होता है, ये 2.1 का ये क्या इशू है, ये मैं आपको पहले समझाता हूँ बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। नाउ इमेजिन करो एक कंट्री है, कोई भी एक देश है, और उसकी टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 10। ठीक है, टोटल पॉपुलेशन है 10। 10 में से 5 मेल है 5 फीमेल है। तो अब आपस में शादियां हुई, 5 जोड़े यहाँ पर बने। अब जो ये 5 जोड़े हैं सबके फिर बच्चे हुए, मगर सारे जो यहाँ पर ये जोड़े आपको दिख रहे हैं सबका सिर्फ एक ही बच्चा यहाँ पर हुआ है। तो यहाँ पे आप अगर देखोगे हर एक जो यहाँ पर जोड़ा है अगर सिर्फ एक बच्चा पैदा करता है तो हम कहेंगे कि जो ये पूरा देश है इसका फर्टिलिटी रेट क्या है, इसका फर्टिलिटी रेट है 1। क्योंकि ऑन एवरेज जो यहाँ पर फीमेल है ये एक बच्चे को पैदा करती है। अब जब फर्टिलिटी रेट 1 होगा तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा, एक जनरेशन के अंदर अंदर, एक पीढ़ी के अंदर अंदर आबादी आधी हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे आप देखो हुआ यही है, ये यहाँ पर थे 10 लोग, ठीक है, इन सब के एक एक बच्चे यहाँ पर हुए। तो अब कितनी पॉपुलेशन होगी इस कंट्री की, यंग पॉपुलेशन टोटल आबादी यहाँ पर 5 है, क्योंकि ये लोग बहुत ही जल्द बूढ़े होकर मर जाएंगे। अब इन द फ्यूचर जो ये 5 लोग हैं इन पे जिम्मेदारी आ जाएगी कि पॉपुलेशन वापस स्टेबलाइज, फिर ये करें ना जो बाकी 5 है ना वो इस तरह करें, वो शादी ना करें। फर्टिलिटी रेट और इंटरनेशनली ये एक्सेप्टेड एक फॉर्मूला है कि अगर एक देश की आबादी आपको मेंटेन करके रखनी है, अगर मान लो एक कंट्री है इसकी आबादी है 10 लाख, आप चाहते हो आज से कई दशकों बाद भी उस देश की आबादी 10 लाख ही रहे, 9 लाख ना हो जाए, तो उसका मैजिक फॉर्मूला ये है कि फर्टिलिटी रेट इस कंट्री को मेंटेन करके रखना होगा 2.1 का। अब यहाँ पे आप कहोगे 2.1 क्यों, 2 क्यों नहीं, क्योंकि आप अगर ये वाला एग्जांपल देखोगे, अगर ये जो सारे जोड़े हैं अगर ये दो दो बच्चे पैदा करते तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, 10 आबादी यहाँ पर थी, 10 पॉपुलेशन इनके बाद आ जाती। मगर ये बहुत ही छोटा सैंपल साइज है। जब हम बात करते हैं बड़े देशों की जहाँ पर लाखों करोड़ों की आबादी होती है तो हम यहाँ पर मान के चलते हैं कि कई लोग मर भी जाएंगे, कई लोग बीमार हो जाएंगे और इश्यूज भी होते हैं वेरियस। तो इसलिए ऑन एन एवरेज माना जाता है कि एक फीमेल अगर एक कंट्री में 2.1 बच्चों को जन्म देती है तो उस कंट्री की पॉपुलेशन जितनी है उतनी बनी रहेगी, कम नहीं होगी। और 2.1 से फर्टिलिटी रेट अगर पहुंच जाता है, अगर मान लो 2 के आसपास, 1.9 के आसपास, तब मान लो धीरे धीरे अब जो कंट्री की पॉपुलेशन है ये कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है कि 10 साल में पॉपुलेशन आधी हो जाएगी, मगर थोड़ा सा आपको एक डाउनफॉल देखने को मिलेगा। हो सकता है कि आज से 100 साल बाद ऑल टुगेदर पॉपुलेशन में कुछ आपको 10-20% का डिफरेंस दिखे। नाउ इंडिया का फर्टिलिटी रेट हिस्टोरिकली क्या था, हिस्टोरिकली देखो एक टाइम पर 1960 में ना हमारा फर्टिलिटी रेट ऑलमोस्ट 6 था। आपको एक और बात बताता हूँ, अगर एक देश की आबादी डबल करनी है ना आपको, अगर मान लो 10 करोड़ है उसको 20 करोड़ करना है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है
कि फर्टिलिटी रेट उस कंट्री का होना चाहिए रफली आप इंडिया दूसरे पे हैं 3.8 का अगर फर्टिलिटी रेट रहता है तो 32-32 सालों में उस देश की आबादी डबल हो जाएगी। तो हम लोग तो इस फॉर्मूले के भी कई कई गुना ऊपर थे। पाकिस्तान का फर्टिलिटी रेट था एक टाइम पर 6.60, हमारा था ऑलमोस्ट 6 के आसपास। चाइना का भी एक टाइम पे बहुत ज़्यादा था, आप अगर देखो एक टाइम पे 1965 के आसपास इंडिया का फर्टिलिटी रेट एक बार को 5.7 हो गया था, चाइना का उठकर 6.8 तक पहुंच गया। फिर जाकर चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ने लागू करी थी वन चाइल्ड पॉलिसी, उसके बाद देखा गया कि चाइना के फर्टिलिटी रेट पे मैसिव फॉल आया और इंडिया का फर्टिलिटी रेट भी गिरा, मगर काफ़ी नेचुरल तरीके से गिरा। आप नोटिस करेंगे इंडिया का जो यहाँ पर स्लोप है फर्टिलिटी रेट का, ये सबसे नेचुरल आपको मिलेगा। तो आज के समय सिचुएशन ये हो चुकी है कि इंडिया का जो फर्टिलिटी रेट है ये पहुंच चुका है 2 पर, जो बिल्कुल लेटेस्ट वाला डेटा सामने आया है। पाकिस्तान का जो फर्टिलिटी रेट है ये अभी भी बहुत ज़्यादा है। मैं आपको ये बता दूं, पाकिस्तान में इन लोगों ने पॉपुलेशन कंट्रोल करने की कोई कोशिश नहीं करी है। कुछ कमेटी बनती है, कुछ प्लान बनते हैं, मगर इनकी आबादी इतनी सुनती नहीं है। और जिस रफ्तार से पाकिस्तान की आबादी बढ़ रही है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, आने वाले 10 सालों में मोस्ट प्रॉब्ली, अभी के लिए जो इनकी आबादी करीब आप कह लीजिए 22 करोड़ के आसपास है, ये 2030 तक हो जाएगी 30 करोड़ के आसपास। और उसके बाद कैलकुलेशंस इनकी सरकार की ये बताती है कि 2050 आते आते इस देश की आबादी हो सकता है कि 40-45 करोड़ के भी आसपास पहुंच जाए। मुझे पता नहीं कि इतने से लैंड में ये कैसे इतनी बड़ी पॉपुलेशन को समेटेंगे, कैसे इनके पास इतना पीने का पानी होगा। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इन द फ्यूचर पॉसिबिलिटी है कि 2050-60 के आसपास पाकिस्तान से एक मैसिव रेफ्यूजी प्रॉब्लम भी आ सकती है इंडिया को, क्योंकि रिसोर्सेज इस कंट्री में बहुत ही ज़रा कम हो जाएंगे। अभी के लिए पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, इन्होंने भी कहा है कैटेगोरिकली कि पाकिस्तान बहुत ही बड़े स्केल पर पावर्टी भुखमरी हो सकता है कि फेस करे अगर इसी पेस पर पॉपुलेशन ग्रो करती रही। मगर ये जो आप कह लीजिए भाषण है, साल दो साल में एक बार आता है, क्योंकि पाकिस्तान की आबादी ऐसे भाषण सुना चाहती नहीं है। एक्चुअली कोई भी देश की आबादी सुनना चाहती नहीं है, इवेंचुअली सरकार को ही ग्राउंड लेवल पर काम करना होता है, तभी एक कंट्री की पॉपुलेशन कुछ हद तक कंट्रोल में आती है। नाउ खैर, ये तो हमने बात कर ली एशिया की। एशिया के बाहर आप अगर देखोगे तो यूएसए का भी जो फर्टिलिटी रेट है ये आपको मिलेगा 1.70। अब यहाँ पे आप कहोगे अच्छा 1.70 तो मतलब यूएसए की आबादी तो गिरेगी इन द फ्यूचर। देखो हाँ बिल्कुल, मगर यूएसए के पास एक जादुई छड़ी है जिससे ये अपनी पॉपुलेशन की जो प्रॉब्लम है सॉल्व कर लेते हैं। उस जादू की छड़ी का नाम है इमिग्रेशन। भारत से और कंट्रीज से, चाइना से, दुनिया भर के जो कंट्रीज हैं वहाँ से यूएस और जो भी कंट्री जिसका फर्टिलिटी रेट आपको कम मिलेगा, वो लोग बाहर से क्या करते हैं, लोग अपने देश में बुला लेते हैं, मगर किसी को भी नहीं बुलाएंगे। बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो अमीर लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको चुपचाप अपने कंट्री में इनवाइट कर लेते हैं और पॉपुलेशन इनकी स्टेबल रहती है, ज़रा दिक्कत नहीं आती। अब यहाँ पर आप एक क्वेश्चन पूछेंगे कि इंडिया के फर्टिलिटी रेट की जो हमने बात करी है, जो अब हमको मिल गया है 2 के आसपास, ये किस सर्वे ने हमको बताया है, कहाँ से डेटा आया है ये वाला? देखो ये डेटा आया है फ्रॉम NFHS। ये क्या है? ये है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ऑफ इंडिया। ये हमारे भारत के इतिहास का ऐसा 5वां सर्वे है। पहला सर्वे ये हुआ था 1992-93 में, फिर 1998-99 में, उसके बाद 2005-06 में हुआ तीसरा सर्वे, फिर 2015 से लेकर 16 में हुआ था ये चौथा सर्वे। अब हम देख रहे हैं कि 5वां सर्वे यहाँ पर हुआ है। और इन्होंने इस सर्वे में ये भी बताया, हमारे देश में आबादी गिरने का एक बड़ा रीज़न ये है कि कॉन्ट्रासेप्टिव जो प्रैक्टिसेस हैं लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। बर्थ कंट्रोल के बारे में लोग काफ़ी हद तक अवेयर हो चुके हैं हमारी आबादी में, और आप कह लीजिए आज के समय लोगों को ये भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है धीरे धीरे कि अगर वो 3-4 बच्चे पैदा कर लेंगे या फिर 5-6 बच्चे पैदा कर लेंगे तो उनके पास उतने रिसोर्सेज नहीं होंगे कि सबकी एजुकेशन, सबकी हेल्थ उस पर प्रॉपरली फोकस कर पाए। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है कि आबादी को भी इस बात का एहसास हो रहा है कि बच्चे दो ही अच्छे, उनकी एजुकेशन पर, उनकी हेल्थ पर पेरेंट्स प्रॉपरली खर्च पाएंगे, उनको नर्चर कर पाएंगे अगर उनकी फैमिली एक सर्टन नंबर तक सीमित रहती है। नाउ अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप पूछोगे, तो फिर तो इंडिया में जो हम बात कर रहे थे वन चाइल्ड पॉलिसी की या टू चाइल्ड पॉलिसी की, उसकी आवश्यकता ही नहीं है, ये तो खुद ही अपने आप काम काफ़ी हद तक ओके हो गया है। देखो मैं कहूँगा इतनी जल्दी हम यहाँ पर खुद को रीअश्योर नहीं कर सकते, क्योंकि अभी इशू ये है कि इंडिया में ना गिनती की कुछ स्टेट्स है वहाँ पर फर्टिलिटी रेट अभी भी बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल बिहार का फर्टिलिटी रेट है 3, बहुत ज़्यादा है, मतलब बिहार की पॉपुलेशन लगातार बढ़ती ही रहेगी। उत्तर प्रदेश का फर्टिलिटी रेट भी आप अगर देखो तो आपको मिलेगा 2.4, झारखंड का है 2.3,
मध्य प्रदेश का 2, राजस्थान का 2 के आसपास है, मगर ये जो 3 स्टेट्स है ना, इनका फर्टिलिटी रेट आपको नेशनल एवरेज से ऊपर मिलेगा। तो अब नीड ये है मेरे हिसाब से कि स्टेट स्पेसिफिक हम फोकस करें, हम यहाँ पर जो ये बड़ी बड़ी स्टेट्स हैं यहाँ पर अवेयरनेस जगाएं अबाउट फैमिली प्लानिंग, कॉन्ट्रासेप्टिव प्रैक्टिसेस की यहाँ पर अवेयरनेस जगाएं। नहीं तो होगा क्या कि बाकी इंडिया में पॉपुलेशन कंट्रोल में आ जाएगी और स्टेट्स डेवलप कर लेगी, मगर भारत की जो दो ये बड़ी बड़ी स्टेट्स हैं उत्तर प्रदेश और बिहार, इनकी स्टेट गवर्नमेंट्स पर हमेशा पॉपुलेशन का प्रेशर बना रहेगा। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके हिसाब से इंडिया के स्टेप्स भविष्य के लिए क्या होने चाहिए, क्या आप मानते हैं कि जो स्टेट स्पेसिफिक हमारी प्रॉब्लम है अभी पॉपुलेशन ग्रोथ की, उसको लेकर हम क्या स्टेप्स उठा सकते हैं, क्या हम कर सकते हैं, लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा यहाँ पे आपका ओपिनियन। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी के यूपीएससी कॉम्बो कोर्सेज में सेल फिर से स्टार्ट हो चुकी है और एक स्पेशल ऑफर यहाँ पर यह है कि आपको मिलेगी एक्सटेंडेड वैलिडिटी अपने कोर्सेज पर। सिंपली जाओ कॉमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेंगे 2 लिंक, इस लिंक पे करो यहाँ पर क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे ये यूपीएससी कॉम्बो पैकेज, जिसके अंदर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी कर पाएंगे इन अ सिंगल परचेज। तो यहाँ पे क्लिक करो पिकअप प्लान पर, और अगर आप 12 महीने से ऊपर के कोर्सेज परचेज करते हो तो आपको 3 महीने एक्स्ट्रा मिलेंगे यहाँ पर। ऑलरेडी मैं आपको ये बता दूं कि प्राइसेस काफी हद तक कम हो चुके हैं बिकॉज ऑफ द डिस्काउंट, उसके अलावा आपको 3 महीने एक्स्ट्रा भी मिलेंगे और इसके ऊपर भी एडिशनल डिस्काउंट लगेगा अगर आप यूज करते हैं प्रोमो कोड PD10, द प्राइसेस विल फॉल इवन मोर। सो यूज करिए कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को। लो जी वीडियो भी खत्म। अब बताओ कि आप जब आपकी शादी होगी तो आप क्या करेंगे? साथ में हंसने वाली बात है। एशियन कंट्रीज लगी हुई हैं, चलो जी कोई और काम नहीं है, मुकाबले में लगी हुई, एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ इंडिया है, एक तरफ चाइना है। एक बात बताऊं मैं आपको, लगी हुई जो है ना मुसलमान कंट्री जैसे कि पाकिस्तान है, वो तो यही कहते हैं कि जितने ज़्यादा बच्चे होंगे वो फ़ायदा है इस्लाम में, जितनी ज़्यादा ये तो ठीक है। लेकिन ये भी तो ख्याल रखना चाहिए ना कि पॉपुलेशन का। अच्छा आपकी जब शादी होगी आप क्या करेंगे? नहीं मेरे हिसाब से 2-3 बच्चे बहुत अच्छे होंगे। हाँ ये अच्छी बात है क्योंकि उस और पे... दूसरा ये है कि मतलब इंडियन देख लें, उनकी ऑलरेडी पहले ही 1.25 करोड़ इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है तो गुर्बत मतलब तो है 1.25 करोड़ नहीं सॉरी 1.25 अरब, मतलब जहाँ पॉपुलेशन बहुत हाँ। ज्यादा होगी वहाँ गुर्बत के काफी ज्यादा चांस। उधर 1.25 अरब है उनकी और चाइना पहले नंबर पे, उसकी आई थिंक 1.5 अरब होगी है और उधर पॉवर्टी लेवल भी बहुत हाई है, चाइना में भी ये पॉवर्टी लेवल और इधर पाकिस्तान में भी पॉवर्टी लेवल है लेकिन नॉर्मल है। और साथ साथ लगता है आवाम को कोई काम ही नहीं है, लगे रहते हैं और बच्चे देखो एशिया में एक 5-5, 6-6, 7-7 बच्चे हैं और दूसरी तरफ देखो कि यूनाइटेड स्टेट्स उनमें हैं 1-2 बच्चे बस, वो कंट्रोल कर लेते हैं ना, वो कंट्रोल जब उन्हें मसला बने तो वो फिर इस तरह अच्छा, करते हैं वो बुला लेते हैं ना इमिग्रेशन, वो ही ना मतलब उनकी वो अपनी कंट्रोल कर लेते हैं। और वो दूसरी ये बात है कि बहुत अच्छे डॉक्टर्स वगैरह पाकिस्तानी जाते हैं, इंडियंस चले जाते हैं, चाइनीज उन्हीं को बुलाते हैं ना जिनसे उनको फायदा हो, इकोनॉमी भी उनकी बेहतर होती इसलिए ना। और मेरे हिसाब से ना पॉलिसीज बनानी चाहिए क्योंकि ताकि एक ऑलरेडी देखें इंडिया की अगर बात करते हैं ऑलरेडी 1.25 अरब है उनकी पॉपुलेशन इंडिया और उसमें पॉवर्टी लेवल भी बहुत है और इस तरह अगर वो इस तरह बढ़ते रहे तो वो एक दिन आएगा कि मतलब इंडिया में बहुत ज़्यादा ही लोग गुर्बत का शिकार होंगे, वसाइल नहीं होंगे, फैसिलिटेट नहीं करेंगे, फैसिलिटीज़ नहीं होंगी
और दूसरा पाकिस्तान देख लें, पाकिस्तान पाकिस्तान में तो फिर बहुत भी, ज्यादा है, बहुत पाकिस्तान ज्यादा हो फिर रही भी है अपनी जो एरिया है ना उनका, भाई। मेरी तो उसमें शादी होगी, मैं तो 30-40 करोड़ के लगभग वो संभाल सकता है। मैं तो लेकिन पांच पांच बच्चे मेरे लेकिन तो पॉलिसीज होंगे। बनानी चाहिए, क्योंकि ताकि पॉलिसीज बनाने का ये फ़ायदा होता है कि आपकी इकोनॉमी बेहतर होती है, आप लोगों को फैसिलिटेट अच्छा कर लेते हैं बिल्कुल इसी तरह। ताकि वो तरक्की कर दें। और हमें पॉपुलेशन बढ़ाई जा रहे हैं, तरक्की नहीं हो रही हम एशियन गुरबत कंट्रीज से। गुरबत हो रही और है। दूसरे देखें, एजुकेशन लेवल उनका बहुत अच्छा हो गया है, यूरोपियन कंट्रीज देख लें। यार ये जो है ना, आप कह रहे हैं पॉपुलेशन, ये ज़्यादातर ना जैसे कि गांव है ना, गांव में ऐसा ज़्यादा है। आप हाँ शहरों में देख रहे शहर ना, शहरों में काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल है, लेकिन ये ना शहरों आस्ता में आस्ता ना दो तीन बच्चे। हाँ गांव में भी ये इस तरफ रुझान आ रहा है पॉपुलेशन हाँ पे। तो दूसरी ये है बात है कि मतलब वो देखें, यूरोपियन कंट्री देख लें, उधर कंसेप्ट ही एक दो एक दो बच्चे, हाँ लेकिन वो देखें तरक्की कितनी कर रहे हैं बहुत एजुकेशन बहुत में, वो तरक्की कर रहे हैं टेक्नोलॉजीज, वो कहीं कहीं नई चीज़ें बना यार। रहे हैं। हम मैं इधर लगे हुए हैं, चलो जी आप देखे ना जो भी एश है ना एश फारग, वो बच्चे पैदा करें। नहीं जो भी फारक उसकी शादी करो और ये इस काम पे लगा हाँ दो। लेकिन आप टेक्नोलॉजी पे बात कर रहे हैं, जितनी टेक्नोलॉजी इंडिया में है ना, यार मतलब और एशिया मेरे एशिया के ख्याल एशिया के और किसी मुल्क में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है नहीं, एशिया में ही बहुत आता ज़्यादा। है, चाइना किधर है, हाँ आई थिंक हाँ एशिया में ही आता है, वो भी है, फास्ट लेकिन है। यार इस पे ना कुछ करना नहीं चाहिए, नहीं बनाने पॉलिसीज बनानी चाहिए, ये चाहिए। गवर्नमेंट ही कर सकती। अगर हाँ पॉलिसीज बनाए, दो के ऊपर होंगे उनको जुर्माना होगा। जुर्माना होगा। मैंने तो ये भी सुना था कि पाकिस्तान में ऐसी कोई पॉलिसी उन्होंने बनाई थी कि अगर इतने से ज्यादा होगा तो आपको जुर्माना होगा। ताकि यार उतने बच्चे हों, खुशहाल लिमिटेड जिंदगी भी हो, हाँ मतलब बिल्कुल लिमिटेड बच्चे हों, ताकि आप अच्छे खुश अंदाज से ज़िंदगी बसर करें और बिल्कुल। हर उनको उनकी फरमाइश के मुताबिक चीज़ें दिला सकें। वैसे वीडियो देख के इंडिया ने जो इस चीज़ पे कदम उठाया ना, वो बहुत उन्होंने अच्छा किया है इस चीज़ पे जो वो ये कर रहे हैं पॉपुलेशन के बारे। तो सारी कंट्रीज को करना चाहिए। पाकिस्तान को भी करना चाहिए ना इस बारे हाँ में बस। वीडियो थी इतनी और और बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। एशियन तो बस मुकाबले में लगे हुए लगे हैं, हुए हैं आप। लेकिन यार कुछ ख्याल करो। ओके हमें दें ओके भाई इजाज़त, साहब। इतनी थी वीडियो, फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।